हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड कोर्सेज एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर इस वीडियो में भी हमने दो अलग अलग जगहों की वैकेंसीज कवर करी हैं एक स्कूल है और एक यूनिवर्सिटी है जहां पे तो स्कूल में पीजीटीज टीजीटीज और पी के लिए सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज है सारी स्ट्रीम्स के अंदर और जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ वैकेंसीज है तो आपको अगर ये सूट करता हो तो आप ट्राई कर सकते हैं और अगर आप आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर लें क्योंकि हम डेली बेसिस पर कई सारी वैकेंसीज डालते रहते हैं और वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी और आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और ज़रूर शेयर करें अपने नेटवर्क में भी ये वीडियो ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सके वो भी इसमें अप्लाई कर सके इन वैकेंसीज़ के लिए तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे हैं वैकेंसीज और आप कैसे और कब तक इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं ये स्कूल का एडवर्टीजमेंट है जो कि वेडनेसडे को पब्लिश हुआ था इसमें जो वैकेंसीज हैं उसमें एनटीटी एक तो उन्होंने लिखा हुआ है सबसे ऊपर नर्सरी ट्रेन टीचर्स उसके बाद पी की वैकेंसीज है सारे सब्जेक्ट एरियाज में पी टी उनको चाहिए सारे सब्जेक्ट्स में और पीजीटी जो कि तीनों स्ट्रीम्स होती है साइंस कॉमर्स और आर्ट्स उन तीनों के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए पीजी की रिक्वायरमेंट है उसके बाद पीजीटी साइकोलॉजी काउंसलर ऑफिस स्टाफ आर्ट एंड डांस टीचर और स्पेशल एजुकेटर इन सभी के लिए वैकेंसीज़ वहाँ पे हैं। डिटेल्ड क्वालिफिकेशंस इसमें मेंशन नहीं करी गई हैं बट आप अज्यूम कर सकते हैं सीबीएसई नॉर्म्स के हिसाब से उन्होंने मेंशन करा है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड uh, हैं और सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड है मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपने करा है साथ में बी आपने करा है और अगर एक्सपीरियंस आपको है रेलिवेंट एक्सपीरियंस तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड मतलब आप क्योंकि अज्यूम करा जाता है कि आपका कमांड इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छा होगा बट मैंडेटरी नहीं होता है आप अगर अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं तो रिगार्डलेस ऑफ दैकग्राउंड तीन साल का एक्सपीरियंस इन्होंने प्रेफर करने के लिए, लिए लिखा हुआ है और बाकी ये मैंडेटरी कहीं पे भी नहीं है बट ऑबली अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस उसमें दिया जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें अप्लाई करने में दिल्ली में ये स्कूल है सेंट जॉन्स पब्लिक स्कूल खेरा खुर्द दिल्ली डबल वन डबल जीरो एट टू ई मेल दिया हुआ है और एड्रेस भी दिया हुआ है या तो आप ई कर दें आपका रिज्यूमे और साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ या फिर आप उन्हें फिजिकली कुरियर कर दें या फिर पोस्ट से भेज दें बट ऑबियसली आप ईमेल कर सकते हैं वो ज्यादा आसान रहेगा कन्वीनियंट रहेगा ईमेल आईडी दिया हुआ है एस जे पी एस वन थ्री वन जीरो टू फोर नाइन एट जी मेल डॉट कॉम एस जे पी एस वन थ्री वन जीरो टू फोर नाइन एट जी मेल डॉट कॉम इनका ईमेल आईडी है जिसके ऊपर आपने आपका रिज्यूमे और फोटोग्राफ ईमेल करना है जितना जल्दी करेंगे उतना बेटर रहेगा और चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए इनविटेशन आने के तो ये एक स्कूल की वैकेंसी है जो यूनिवर्सिटी है उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है लिंगायाज विद्यापीठ ये फरीदाबाद में पड़ती है काफी पुराना इंस्टीट्यूट है और प्राइवेट डीम टू बी यूनिवर्सिटी ये है जो वैकेंसीज वहां पे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उन्होंने मैंशन करा हुआ है और जो स्पेशलाइजेशन है उसमें पैरामेडिकल मेंशन करा है जिसमें एमएलटी ओटीटी डायलिसिस होटल मैनेजमेंट फॉर वोकेशनल कोर्सेज तो इन स्ट्रीम्स के अंदर जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं उस डिपार्टमेंट में उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है ईमेल आईडी दिया हुआ है बी वोज विद्यापीठ डॉट ई डी यू डॉट इन तो डी यू डॉट इन उसके अलावा क्वालिफिकेशंस की डिटेल यहाँ पे नहीं दी गई है और सैलरी की डिटेल्स भी यहाँ पे नहीं दी गई है तो यूनिवर्सिटी के बारे में अ, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं है तो आप खुद से एक बार चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में और जो वैकेंसीज की और डिटेल भी नहीं है और यहाँ फोन नंबर्स भी मेंशन नहीं करा गया बट वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप पहले उनको क्लैरिफाई कर लें उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं uh, ये भी वेडनेसडे को पब्लिश हुआ था लास्ट डेट भी इसमें कोई मेंशन नहीं है तो एक बार अप्लाई करने से पहले खुद से भी इंश्योर uh, कर लें अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो सो होपफुली दीज वैकेंसीज विल बी यूजफुल फॉर सम ऑफ यू We'll again come back with more of them. Thanks for watching.